तो नमस्कार स्टूडेंट, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ ये रिंगर के ऊपर है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं अगर उसमें रिंगर की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं या उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है ये रिंगर के ऊपर हम आपको समझाने वाले हैं कि रिंगर की समस्या आती है तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं या उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है और यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है और ICO से लेकर के डिस्प्ले टच काम्बो लेवल से लेकर के मतलब मोबाइल फोन के अंदर A से Z कोई भी कमी आती है उसको आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हम आगे वीडियो के ऊपर। तो हम रिंगर सॉल्यूशन के ऊपर आप वीडियो आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं ट्रेसिंग का पूरा टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ कि जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे वीक स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, अगर वो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कम्प्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो के माध्यम से बिल्कुल फ्री में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल से हम एक एक करके सारा वीडियो डालते रहते हैं, बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते रहते हैं जिससे हमारे बच्चों को सीखने को मिले। सर औरों की तरह नहीं कि आपको छोटा मोटा ऐसा डाल दिया काम खत्म, हम आपको प्रॉपर आपको सोल्यूशन आपको बताते हैं। अगर आप ये प्रॉपर सोल्यूशन को समझ लेंगे तो आपको रिपेयरिंग करना बड़ा सहज हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने आगे टॉपिक ऊपर चलते हैं। जैसे मान लिया रिंगर की समस्या आती है तो उसको कैसे चेक किया जाता है, और पहली बात तो रिंगर का सर्किट मोबाइल फोन में काम कैसे करता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमारे मोबाइल फोन में रिंगर का जो कनेक्शन होता है वो आपका अपना पावर आईसी से होता है, ये आपकी पावर आईसी लगी होती है। पावर आईसी से सप्लाई निकलती है, पावर आईसी से दोनों ऑडियो सप्लाई निकलती है, ऑडियो सप्लाई के बीच में कई बार ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इस रेजिस्टेंस के बाद सप्लाई चली जाती है तुम्हारे रिंगर आईसी के अंदर। ये रिंगर आईसी लगी होती है, रिंगर आईसी को काम करने के लिए VPH सप्लाई आती है, VPH सप्लाई जो होती है ये 3.7 वोल्ट सप्लाई होती है, ये तुम्हारे कैपेसिटर के माध्यम से रिंगर आईसी पे चली जाती है। रिंगर आईसी सप्लाई को क्या काम करती है, एम्पलीफायर की तरह काम करती है, एम्पलीफाई करती है, एम्पलीफाई करने के बाद उन सप्लाइयों को क्या करती है आउटपुट निकाल देती है, आउटपुट निकालने के बाद कॉइल के माध्यम से आउटपुट निकालती है और बीच में कैपेसिटर भी लगे हो सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। फिर आपकी सप्लाई आपके रिंगर पे चली जाती है जिससे रिंगर से आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। ये 2 पिन का आपका स्पीकर होता है ये आपका रिंगर का ट्रैक होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो रिंगर आईसी के लिए CPU लगा होता है, CPU से भी एक सप्लाई हमारी इनेबल सप्लाई आती है, ये सप्लाई तुम्हारे रिंगर के लिए जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनेबल लाइन होती है, जिससे आपकी रिंगर आईसी एक्टिव होती है। ये जो लाइन होती है ये क्या काम करती है, ये तुम्हारे वॉल्यूम को मैनेज करती है। वॉल्यूम को मैनेज करने का मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम को कम करेगी, वॉल्यूम को ज़्यादा करेगी, ताकि CPU इस आईसी को ये कमांड देगा कि कितना आवाज़ तुमको ज़्यादा करना है, कितना आवाज़ तुमको कम करना है। अभी मैं आपको इस बात को बॉर्डर सेमेटिक में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे पूरा सर्किट काम करता है और सर्किट काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है। पहली बात हम लोग इसको ऑफलाइन चेक करना सीखते हैं कि कैसे इसको चेक करेंगे, ये सर्किट काम करने का तरीका होता है। अच्छा, ये जो VPH सप्लाई होती है ये तुम्हारी आपको पहले से ही ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि ये सप्लाई जो हमारी आती है ये कहाँ से आती है, चार्जिंग आईसी के थ्रू आती है। चार्जिंग आईसी को सप्लाई कहाँ से मिलती है, बैटरी कनेक्टर के थ्रू मिलती है, जिससे आपकी सप्लाई रिंगर आईसी तक पहुँचती है। अब मैं आपको सर्किट का काम करने का आपको प्रिंसिपल समझाता हूँ कि सर्किट हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहली बात क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन में रिंगर काम करने का सिस्टम क्या होता है। जैसे आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में गाने बजाते हो, म्यूजिक बजाते हो या कुछ भी ऐसा सिग्नल आप देते हो, तो वो सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल यहाँ से आने के बाद रिंगर के लिए आता है। रिंगर के जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल क्या होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं। ये जो आईसी लगी होती है एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करती है, वो जो सिग्नल को एम्पलीफाई होते हैं, एम्पलीफायर होने के बाद वो सिग्नल आगे निकलते हैं। लेकिन एम्पलीफाई रिंगर आईसी तभी काम करेगी
जब यहाँ से चार्जिंग आईसी उसको वोल्टेज देगी 3.7 वोल्टेज VPH सप्लाई आती है, जिससे रिंगर आईसी तुम्हारी एक्टिव होती है। रिंगर आईसी उन सप्लाई को बूस्टअप करती है, बूस्टअप करने के बाद जो सप्लाई समथिंग जो आउटपुट सप्लाई होती है 5 से लेकर के 6 वोल्ट के रूप में सप्लाई को आउटपुट कर देती है, जो हमारे रिंगर के लिए चली जाती है और रिंगर में आवाज आना चालू हो जाता है। लेकिन ये सप्लाई रिंगर आईसी तभी एक्टिव होगी, तभी काम करेगी, जब CPU भी उसको इनेबल कमांड देगा कि भाई नहीं आप एक्टिव हो जाइए और इतनी आवाज़ हमको बढ़ा कर दीजिए, इतनी आवाज़ कम करिए, इतनी आवाज़ ज़्यादा करिए, तब रिंगर आईसी आपके काम करेगी। चलिए हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिस मोबाइल फ़ोन में रिंगर नहीं काम करता, तो हम लोग उसको चेक कैसे करेंगे। हमने मोबाइल फ़ोन को लिया, मोबाइल फ़ोन को खोलना है। मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद सबसे पहला काम आपको पहले खोलने से पहले आप उसको वॉल्यूम सेटिंग चेक कर लीजिए। वॉल्यूम सेटिंग आपने देख लिया, वॉल्यूम वॉल्यूम सारा सब कुछ टकाटक फर्स्ट क्लास सारा सब कुछ है। आप मोबाइल फ़ोन खोलिए, मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद जहाँ पर रिंगर लगा होता है उसके पॉइंट को चेक करिए, आपका रिंगर सही से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में, अब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ऐसा सिस्टम होता जा रहा है कि रिंगर के लिए नीचे पीछे डब्बी लगी होती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे ना तो यहाँ पर पीछे आपको डब्बी मिलेगी, नीचे की तरफ डब्बी मिलेगी, उस डब्बी में तुम्हारा रिंगर क्या होता है फिट होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस डब्बी को चेक करेंगे। डब्बी को चेक करने का मतलब होता है पहले खोलें, उसको साफ सुफ करके अच्छे तरीके से फिट करें, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑल ऑफ आप क्या करेंगे उसका रिंगर चेक करेंगे। दो पॉइंट का रिंगर होता है, दोनों पॉइंटों को जब आप रिंगर को चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। अगर चेक करने पर बीप देता है तो बीप देने का मतलब होता है कि आपका रिंगर सही है, रिंगर काम कर रहा है। अगर रिंगर से फटी फटी आवाज़ आती है, आप उसको चेक करेंगे, उसका पर्दा फट जाता है, वैसे भी ख़राब हो जाता है, तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कम आवाज़ आती है, नहीं आवाज़ आती तब भी ख़राब है, आप उसको बदल सकते हैं। हमको जो बीप आने से ये पता चलता है कि रिंगर का कॉइल सही है, क्योंकि रिंगर आपका जब भी बना होता है तो ऐसे कॉइल के बेस पर बना होता है। अगर बीप ना देने का मतलब होता है कॉइल कहीं से कट जाता है और आपका ख़राब हो जाता है, तो हम लोग ये जनरली उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर भी नहीं काम करता नया लगा के देख सकते हैं, फिर भी प्रॉब्लम से नया लगा दिया, अब भी प्रॉब्लम से मैं। अब बारी आती है कि बोर्ड में ट्रैक कैसे चेक करेंगे, जो सर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड में ट्रैक कैसे चेक किया जाएगा, ट्रैक चेक करने का तरीका क्या है। ट्रैक चेक करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में जहाँ पर रिंगर के पॉइंट होते हैं यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू मिलने वाली है 300 से लेकर 600 वैल्यू मिलने वाली है। कितनी वैल्यू मिलने वाली है, 300 से लेकर के 600। अच्छा, यहाँ पर जब वैल्यू मिलती है तो वैल्यू मिलने से ये पता चलता है कि आपका ये कनेक्टिविटी सही है। अगर वैल्यू सही है तो कनेक्टिविटी सही है, वैल्यू नहीं सही है तो कनेक्टिविटी नहीं सही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आने का मतलब क्या है, वैल्यू आने से क्या पता चला, फिर से समझिए, वैल्यू आने का मतलब कनेक्टिविटी ओके, अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो कनेक्टिविटी खराब। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, और अगर वैल्यू नहीं आती तो लाइन खराब। तो वैल्यू चेक करने का मतलब होता है वैल्यू ना आए तो इससे बेहतर है कि अगर मान लें एक ट्रैक पर वैल्यू आ रही है, एग्जाम्पल सी बात है, इस पर वैल्यू आ रही है, इस पर वैल्यू नहीं आ रही, तो जब इस पर वैल्यू आ रही तो आप इसके ट्रैक को चेक करिए। जहाँ पर आपको इसके लाइन में आपको कैपेसिटर कॉइल ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेंगी, उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से ट्रैक चेक करना नहीं आता तो मेरे चैनल पे ट्रैक चेक करने का भी वीडियो मैंने पिछले डाला हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हो कि कैसे ट्रैक को चेक किया जाता है, ताकि आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर अगर आपको पहले फर्स्ट ऑल ऑफ ये वीडियो आपको मिला हुआ तो यहाँ पर आपने चेक किया, ये आपको कॉइल मिल गया। तो कॉइल मिलने का मतलब है जो इसके लाइन में जो दूसरा कॉइल लगा हुआ है वो सिंपली आपका दूसरे ट्रैक के लिए, मतलब इस अगर यह कॉइल तुम्हारी अगर ब्लैक कलर की कॉइल लगी है तो 100% जो दूसरी कॉइल होगी वो भी ब्लैक कलर के बगल में ही लगी होगी। अगर यह कॉइल तुम्हारी फ्यूज लगा हुआ है तो दूसरा जो लगा होगा वो भी फ्यूज ही होगा। अगर यह कॉइल तुम्हारी ब्लू कलर की लगी हुई है, आधा ब्लू आधा व्हाइट लगा है, तो दूसरे कलर ब्लू व्हाइट ही लगी मिलेगी। ये दोनों बिल्कुल जुड़वा है, बिल्कुल भाई भाई दोनों बराबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आती, तो वैल्यू आने का मतलब क्या है, इसके ट्रैक में जो कॉइल हो जाती है वो खराब हो जाती है। कॉइल खराब हो जाती है तो कॉइल को हटा करके खाली करके हम लोग क्या कर देते हैं, जंपर मार देते हैं। जैसे जंपर मार देंगे तो जंपर मारने से हमारा लाइन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा और रिंगर हमारा फर्स्ट क्लास बजना शुरू हो जाएगा। अगर मान लिया तुमने ट्रैक चेक कर लिया, तुम्हारा ट्रैक सही है, फिर भी रिंगर नहीं बजा, अब उसके बाद ये देखेंगे कि रिंगर आईसी को काम करने के लिए उसको सप्लाई मिल रही कि नहीं मिल रही। आप ये देखें कि रिंगर आईसी के पास में जो कैपेसिटर है, या इसके ट्रैक को चेक करेंगे कि इसकी सप्लाई है, ये VPH लाइन आपस में प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। अगर VPH लाइन प्रॉपर कनेक्टेड है तो फिर काम करना चाहिए, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये देखेंगे जो रिंगर आईसी की जो सिग्नल को बूस्ट करके दे रही थी वो उसको सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप ये भी चेक करेंगे। तो ये सप्लाई आप चेक करेंगे कि इसके लाइन में जो बैक
आईसी के बैक साइड में जो पावर आईसी से जो कनेक्टिविटी होती है उसके लाइन में जो कंपोनेंट्स रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं आप उनको चेक करेंगे। अगर ये भी सप्लाई खराब हो जाएगी तो आईसी को सिग्नल नहीं मिलेगा, जब आईसी को सिग्नल नहीं मिलेगा तो उनको एम्पलीफाई करके क्या देगा, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये सारा सब कुछ चेक कर लिया तो फिर आप रिंगर का इनेबल लाइन को भी चेक करें, इनेबल लाइन अगर सही है, नहीं अगर इनेबल लाइन खराब हो जाएगा या इनेबल लाइन के बीच में मान लिया कंपनी ने एक रेजिस्टेंस डाल दिया, अगर ये खराब हो जाएगा तो भी आईसी इनेबल नहीं होगी, तब भी आपकी आईसी डेड पड़ी रहेगी और रिंगर आपका फिलहाल नहीं बजने वाला, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं मोटी मोटी भाषा में आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं चेक करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको रिंगर चेक करना चाहिए, दूसरा उसका ट्रैक चेक करना चाहिए, तीसरा उसका वोल्टेज चेक करना चाहिए, चौथा उसका इनपुट आईसी में आ रहा है उसको चेक करना चाहिए, पांचवा उसका इनेबल लाइन चेक करना चाहिए। जब सारा सब कुछ सही है तो उसके बाद फिर आप आईसी को फॉल्टी बोलेंगे कि रिंगर आईसी भाई तुम्हारी ख़राब हो गई है। रिंगर आईसी ख़राब हो जाने पर रिंगर आईसी को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन में रिंगर की प्रॉब्लम आती है उस रिंगर की प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं उसका तरीका मैंने आपको समझाया। अब इसी चीज़ को मैं आपको मदरबोर्ड में समझाता हूँ, बोर्ड में बताता हूँ, प्रैक्टिकली लाइव आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको ये माइक्रोस्कोप में मैंने बोर्ड रखा, ये हमने कैमरे को ऑन किया, कैमरा ऑन करने के बाद ये आपका डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले के बाद आप देखेंगे आप बोर्ड को व्यू कर पाएंगे, व्यू के साथ में हम इमेजिन कर पाएंगे। जो चीज़ मैंने समझाया है वो प्रॉपर आपको डिटेल में यहाँ भी बताने वाला हूँ। ये देखिए हमारे पास बोर्ड आ गया, और बोर्ड आने के बाद सबसे पहली बात क्या है, आप बोर्ड में देखेंगे ये आपका स्पीकर का पॉइंट लगा हुआ है, दिख रहा दोस्तों, ये आपका स्पीकर का पॉइंट है। स्पीकर के पॉइंट में जब आप चेक करेंगे मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, कहाँ पर सेट करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। सॉरी, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। ये जो वैल्यू आपको जो मिलने वाली है समथिंग 300 से लेकर के 600 वैल्यू मिलने वाली है। अगर 300 से 600 वैल्यू मिलती तो इसका मतलब ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं मिलती तो ट्रैक खराब है। अब हम आपको क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैं आपको एक बार ट्रैक को मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ। देखिए सर, कोई मल्टीमीटर रखा है, कोई मल्टीमीटर लीजिए ताकि मैं बच्चों को चेक करके दिखाऊँ कि इनको प्रॉपर वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही है। ये वीडियो सर आपको तो मैं देता ही देता हूँ, लेकिन ये वीडियो हमारे जो स्टूडेंट हैं जो क्लास में सीख रहे हैं तो वो भी वीडियो को वॉच करते हैं, ताकि एक वीडियो को 10-10 15-15-20 वॉच करते हैं उनके दिमाग के अंदर घुस जाता है, फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, या किसी का कोई टॉपिक छूट गया, या आप जैसे ऐसे कमज़ोर लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है तो भी वो लोग चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ कैसे इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करना पड़ेगा। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद हमने इसको डायोड रेंज पर चेक किया, डायोड रेंज पर सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। देखिए बीप आ रही है, डायोड रेंज पे हमने लगाया, उसके बाद रेड पिन को ग्राउंड पर रखा, मल्टीमीटर की रीडिंग सबको दिखाइएगा जो हम इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने पर हमारी क्या होगी, रीडिंग शो करेगा। हाँ ऐसे ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, ये हमने डायोड रेंज पे लगाया 365-76। ठीक 371 दोनों में वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू आने का मतलब क्या, ट्रैक सही है। अब सर आप इसको लगे दिखाया कि कैसे हम लोग मल्टीमीटर के माध्यम से वैल्यू को चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर वैल्यू आती तो लाइन सही है, वैल्यू नहीं आती तो लाइन खराब है। अब उसके बाद अगर फिर भी हमारा ट्रैक नहीं काम कर रहा तो मल्टीमीटर एक पिन को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद इसके पास में जो भी कंपोनेंट है वन बाई वन करके चेक करेंगे। अगर देखेंगे तो इसके ट्रैक में अगर आप देखेंगे अगर यहाँ से बीप आती तो बीप आने का मतलब क्या, इसके लाइन में कंपोनेंट लगा है, फिर ऑफिसरी बात है ये आगे बी पाएगी, आगे बी पाने वाले सीरीज पोजीशन में लगा, फिर सप्लाई आपकी आगे चली जाएगी। उसी तरीके से दूसरा ट्रैक है, दूसरे ट्रैक में ये लगा हुआ है, फिर ये आगे जाएगी। तो ये कंपोनेंट जो आपके मोस्टली लगे हुए हैं ये तुम्हारे कौन से पोजीशन में लगे हुए हैं, ये तुम्हारे सीरीज पोजीशन में लगे हैं। और यहाँ पर इसके ट्रैक में कंपनी ने क्या डाल रखा है, फ्यूज डाल रखा है। अगर कल को तुम्हारा फ्यूज खराब हो जाता है तो आपके मोबाइल फ़ोन में रिंगर काम करना बंद कर देगा और रिंगर नहीं बजेगा। तो आपके मोबाइल फ़ोन में क्या समस्या आने वाली है, ट्रैक खराब होने से रिंगर काम करना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना बताते हैं। बाकी जब क्लास में होते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से पूरा डीपली प्रैक्टिकली करते हैं और एक एक चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको सीखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको रिंगर को चेक करने का कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर रिंगर की समस्या आती है, तो रिंगर की समस्या को कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम आपको चेक करना
आपको सिखाते हैं। तो आज की दोस्तों की वीडियो मैंने आपको बताया कि रिंगर की समस्या आती है उसको कैसे चेक किया जाएगा, इसका तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है और ये भी बताया कि पहले क्या क्या चीज़ों को आप चेक करेंगे। तो ये वीडियो को आप देखें या इस वीडियो से संबंधित जो ट्रैक चेक करने का है, आईसी पहचानने का तरीका है या इनका काम करने का तरीका है या इसके मोबाइल फ़ोन के लाइन में रजिस्टर कैपेसिटर कॉइल डायोड लगे हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो मैंने आपको डाल रखा है, उन सारी वीडियो को आप देख करके भी आप सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको पहले ही ये वीडियो मिला हुआ है तो आप इनके बैक साइड में और भी सारा वीडियो पड़ा है, हम उन वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि रिंगर हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे काम करता है, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है। तो ये जो मैंने आपको वीडियो में हम आपको देते हैं ये सारा डेमो वीडियो होता है, ये डेमो वीडियो से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से ट्रेनिंग लेने वाले हैं और कैसे हम आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। पहली बात तो जब आप इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप सीखेंगे तो ट्रेनिंग आपकी नंबर एक होने वाली है और अच्छे तरीके से सीख करके जाने वाले हैं ताकि सीखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत शिकायत ना आए और अच्छी तरीके से आप काम कर पाएँ। रिपेयरिंग का मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग के लाइन में देखा जाए तो किसी चीज़ को चेंज करना, उखाड़ना, लगाना, फिट करना या ऐसा काम ऐसा है कि अगर आप मैं आपको बताऊं आप मशीन का या आयरन सबको लेके बैठ जाइए और साल दो साल पाँच साल दस साल काम करते करते हो गया तो इतना तो आपको ऐसे ही आ जाएगा जी, उल्टा सीधा कभी काम होगा कभी नहीं होगा, बनेगा ख़राब होगा, बहुत सारी बातें होंगी लेकिन फिलहाल वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन रही बात काम की तो काम के तो दोस्त रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपको एक एक चीज़ मोबाइल फ़ोन के बारे में स्टेप बाय स्टेप चेक करना आएगा। अच्छा देखो ये मैंने वीडियो आपको रिंगर सॉल्यूशन का जो वीडियो बताया है ये मैंने आपको सर्किट चेक करना काम करने का तरीका समझाया है, अब मैं इसके आगे का ही पार्ट में आपको इसका बोर्डियो सेमेटिक्स से कैसे चेक किया जाता है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा और बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम को चेक किया जाता है, कैसे सप्लाई काम करती है, कैसे सिग्नल बनता है, कैसे ऑडियो इनेबल होता है, कैसे आईसी हमारी काम करती है, ये हम सिमेटिक के माध्यम से ग्राफिकली थोड़ा बहुत अच्छा समझ पाएंगे क्योंकि हम बोर्ड का हूबहू फोटो नहीं बता सकते, बोर्ड का हूबहू फोटो तो उसी में दिया होता है और हम आपको समझा सकते हैं लेकिन इसके माध्यम से हम आपको पूरे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में काम होता है, कैसे रिंगर काम करता है। और इन सब चीज़ के वीडियो देखने के बाद आपको रिंगर को चेक करने का तरीका तो 60-70% तो आपको ऐसे ही आ जाएगा जी। तो आज की वीडियो में मैंने रिंगर के बारे में आपको समझाया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, अगर चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आप ही जैसे और ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो मिल सके। अगर जाने अनजाने में हम आपको कहीं मेहनत करके आपको सिखाते हैं तो कहीं भी आप भी हमारे जाने अनजाने में मदद करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको जो भी सारी बातें हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगर चैनल से जुड़ जाते हैं तो जो भी नया वीडियो आपको मिलता रहेगा, वीडियो के साथ साथ इसमें और भी कम से कम चैनल में नहीं तो 500-600 वीडियो और पड़ा हुआ है, अगर इतना सारा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके रिपेयरिंग का जो दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना इतना अच्छा सजी क्लियर हो जाएगा जिससे मैं बात नहीं कहता, इतनी बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ। मुझे सर इतना साल ट्रेनिंग कराते कराते हो गया, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास हर बच्चा वीक से वीक बच्चा आए और अच्छी तरीके से सीख करके जाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक असम के रहने वाले हैं, चौहान जी हैं असम के रहने वाले हैं, आज उन्होंने अपना पेमेंट भी ट्रांसफ़र किया, उन्होंने ये भी बोला है कि सर मैं 1 जुलाई का जो बैच बनेगा उस बैच में फ़िलहाल मैं आऊँगा और उन्होंने अपना ज्वाइनिंग भी कराया है। कह रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से हम आपकी वीडियो सर जी 5-6 महीने से देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ जो है वीडियो के माध्यम से एक एक करके जो आप सिखाते हैं हमें काफ़ी चीज़ क्लियर हो गया है, हमें वीडियो आपका पूरा वीडियो देखते देखते हमको ऐसा लगा कि जैसे हम 60-70% काम सीख चुके हैं। तो जब हमको इतना लगा कि हम 60-70% ऐसे ही सीख चुके हैं तो क्यों हम सर के पास चले जाते हैं, जो बाकी हमारी कमी है उसको हम दूर हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं आज हम बैठे हैं जो काम हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम उनके गाइडेंस में रह करके अच्छी तरीके से सीख करके जा सकते हैं। तो हमारे पास बच्चे जो भी आते हैं पूरा अच्छी तरीके से सीख करके जाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर अपना सागर मार्केट में पड़ता है, सागर मार्केट पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का मार्केट है, दुनिया जान का झोला भर भर के लोग आते हैं मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आते हैं। और ये सागर मार्केट तुम्हारे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बस नियर मात्र 200 मीटर पैदल वॉकिंग के डिस्टेंस है, आराम से आ सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं ताकि आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आराम से आप रह करके सीख सकते हैं। रहने की हॉस्टल व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाती है, आपको उसका कोई चार्जेस भी नहीं देना पड़ता। दूसरी बात कि हम सेल्फ ट्रेनर हैं जो हम आपको खुद आपको सिखाते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से सीख करके जाओ और आपके साथ में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए,
कोई दुनिया भर की बात नहीं, सीधे ट्रांसपेरेंसी, आप आओगे आप सीख करके जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये जो मैंने आपको वीडियो दिया, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और अगर आप कोर्स से संबंधित या ट्रेनिंग से संबंधित अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करो, उस पर कॉल करो, या उस पर कभी भी फ्री हो तो वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल से आप ये देखो कि सर कैसे क्लास करा रहे हैं, या हम आपको कैसे क्लास करा रहे हैं, कैसे एक बच्चा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख रहा है, कैसे काम कर रहा है। वीडियो कॉल में मैं इतनी भी बात कहता हूँ कि अगर आप वीडियो कॉल करेंगे, हो सकता है कोई आपके पास का ही कोई मिल जाए जो आपसे एक अच्छा सा परिचय भी हो जाए, और आप सीखने के लिए बड़ा जो आपके कन्फ्यूजन हो गया, अरे जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, पैसा लूट लेंगे, रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि ऐसे ही हवाबाजी है। क्योंकि आजकल लोगों का ऑनलाइन के प्रति थोड़ा सा विश्वास भी उठता जा रहा है। अच्छा एक बात और, विश्वास उठता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहते नहीं जहाँ मोहब्बत वहाँ लड़ाई, जहाँ मोहब्बत नहीं वहाँ काहे को लड़ाई। आप अपने घर के बगल में है तो उससे लड़ाई है, लेकिन घर से दूर है उससे कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि आप उससे जानते नहीं। तो ऑनलाइन में फ्रॉड आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से मोहब्बत है तभी आप उसको फ्रॉड उसमें ढूंढ रहे हैं। और ये भी बात है कि हर एक चीज़ सही नहीं होती, तो एक बात ये भी है कि हर एक चीज़ गलत भी नहीं होती। अब गलत सही का अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हैं, आप उसके एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, वो कितने साल से ट्रेनिंग करा रहा है, कितने साल से पुराना चैनल है, 2012 का पुराना चैनल है, 2012 से हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि हमारा हर एक बच्चा आता अच्छी तरीके से सीख करके जाता है। और वीडियो कॉल से एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार चार दिन, पाँच पाँच दिन क्लास करिए, देखिए कि 8 बजे क्लास हो रही कि नहीं हो रही, 12 बजे क्लास हो रही कि नहीं हो रही, 3 बजे क्लास हो रही कि नहीं हो रही, 6 बजे क्लास हो रही कि नहीं हो रही, देखो। हॉस्टल में देखना चाहते हो कभी भी फ़ोन करो, हॉस्टल देखो कैसे बच्चे क्लास कर रहे हैं, कितना दूर हॉस्टल है। अगर ऐसी कोई भी अगर अपने दिमाग के अंदर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, 5-6 दिन आप उसको देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। और उसको जज करने से पहले आपको एक जज करना बहुत ज़रूरी है भाई, कि हमको ट्रेनिंग लेना है कि नहीं लेना है। अगर ट्रेनिंग लेना है तो आपको हमको ऐसे फ़ोन बिल्कुल नहीं करना। आपको सबसे पहले ट्रेनिंग से संबंधित जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है 10-15-20, अब अच्छा 10-15-20 वो भी वीडियो नहीं कि भाई हमने आप ही के लिए स्पेशल वीडियो बना कर डाल दिया, वो भी बात नहीं। आप उस चैनल में जितना पुराना से पुराना, जितना नया से नया आया, आज कल परसों तरसों जिस तरीके से आपका दिमाग संतुष्ट होना चाहता है उस तरीके का वीडियो देखो, 10-12-15-20 वीडियो देखो, 50 वीडियो देखो। अगर 50 वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो दोस्त फिर बिल्कुल मत सीखना, घर पर बैठे रहो। अगर आपको लगता है आपको सीखने के इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें। लेकिन एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर आप मेरे पास आएंगे तो ये मेरा आपसे 100% का वादा है कि आप 100% तरीके से सीख करके जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि हमारा बस बच्चा अच्छी तरीके से सफल हो जाए, ताकि उसको कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से काम कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।